बच्चों, आज की जो कहानी है ना, वो दो डॉगीज की है। तो एक डॉगी तो रहता था रोड पे, जो स्ट्रे डॉग था, और एक डॉग रहता था अपने मास्टर्स के हाउस में। और वहां पर उसके पास एक बहुत सुंदर सा बेड था फर का, उसके पास कई सारे टॉयज थे, उसके पास बोन थी च्यू करने के लिए, और उसको बढ़िया से बढ़िया खाना, डॉग बिस्किट्स और अच्छी अच्छी चीजें दी जाती थी। उसे घुमाने लेके जाया जाता था। इस डॉग का नाम था मैक्स। तो मैक्स तो बड़े मजे में रहता था, उसको हर बेस्ट चीज मिलती थी। कोई भी बाहर से जब आता था, वो घर वालों के लिए गिफ्ट्स लेकर आता था, तो मैक्स के लिए भी लेके आता था। कभी बिस्किट्स ले आता था डॉग वाले, कभी डॉग बोन ले आता था। उसके गले में एक बहुत प्यारा सा कॉलर था, उसमें उसका नाम लगा हुआ था एक की चेन के जैसे, बड़ी प्यारी सी एक यहाँ पे एक वो थी जिसके ऊपर लिखा था मैक्स। तो बहुत अच्छी लाइफ थी मैक्स की। दूसरा डॉग जो मोती था, वो रोड पे रहता था। उसके पास कोई हाउस ही नहीं था। वो क्या करता था, इधर उधर 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 खाना ढूंढता था, और जो भी कुछ उसको मिलता था वो खा लेता था। और कभी कभी तो उसे खाना मिलता भी नहीं था, कभी कभी उसे पानी भी नहीं मिलता था पीने के लिए। और वो प्यास से ऐसे से करता रहता था और बैठा रहता था एक कोने में छुप के, जो थोड़ी सी ठंडी जगह होती थी। गर्मियों में उसे बहुत गर्मी लगती थी। तो मोती ऐसे रहता था और मैक्स तो एसी में रहता था, और अपने घर वालों के साथ में बेड के ऊपर चढ़ जाता था, बहुत मजे करता था। अच्छी लाइफ थी उसकी। पर फिर भी वो बोर होता था। वो सोचता था, मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं है, ये लोग बाहर जाते हैं, मुझे छोड़ जाते हैं, मैं अकेला बैठा रहता हूँ, सारा दिन मैं उदास रहता हूँ। तो ऐसा वो सोचता था। तो एक बार क्या हुआ कि घर के सारे मेंबर्स हॉलिडे पे गए, तो कहीं घूमने जाना था एक हफ्ते के लिए। तो उन्होंने किसी को बुलाया, अपने सर्वेंट को, और बोला तुम घर में रहोगे मैक्स के साथ में, और मैक्स का बहुत ध्यान रखोगे, देखना मैक्स को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर्वेंट ने बोला हाँ, मैं बहुत अच्छे से देखूंगा, आप चिंता मत करिए। और वो लोग चले गए। मैक्स पीछे और भी अकेला हो गया। ये सर्वेंट तो उसे देखता ही नहीं था। वो सारा दिन घूमने चला जाता था, कभी कभी टीवी देखता रहता था। तो मैक्स ने सोचा कि मैं अकेला हूं, मैं बाहर फ्रेंड्स बनाता हूँ ना जाके। तो एक दिन गेट खुला था, तो वो धीरे से चुपके से निकल के बाहर गेट से रोड पे चला गया। और रोड पे देख के बड़ा खुश हुआ, इतने सारे डॉगीज थे, और इतने सारे डॉगीज की तरफ दौड़ा। उसने सोचा वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, आई हैव फाउंड सो मेनी फ्रेंड्स, सो आई विल गो एंड टॉक टू देम, मैं बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने वाला हूँ, बहुत मजा आएगा। द होल पैक ऑफ डॉगीज विच वर देयर, दे केम एंड पाउंस्ड एट हिम। उसे इतनी जोर से काटने के लिए दौड़े, तो वो भागा वहां से और वो एक कोने में छुप गया। जिस कोने में वो छुपा, उस कोने में कौन बैठा था? मोती। मोती भूखा था, मोती बैठा था, उसमें हिम्मत ही नहीं थी उठने की। जैसे उसने देखा कि मैक्स डर के मारे कांप रहा है और यहाँ बचने के लिए आया है, तो मोती ने उसे बुला लिया, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे को कुछ नहीं होने दूंगा। दोनों बैठ गए। अब मैक्स और मोती बात करने लग गए। मैक्स ने अपनी लाइफ के बारे में बताया, मेरे पास इतना अच्छा बेड है, बहुत अच्छा खाना मिलता है, पर कोई भी नहीं है घर में, मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ, मैं बहुत बोर हो जाता हूँ, मैं उदास हो जाता हूँ, मैं सबको याद करता हूँ, मैं कैसे जाऊं उनके पास में। तो मोती ने बोला कि तुम यहाँ रोड पे रह लो मेरे साथ में, इधर जो थोड़ी सी जगह है। तो मैक्स तैयार हो गया, कहता हाँ ये बात ठीक है, तुम मुझे अपने साथ रख लो। फिर जब उसने मोती की लाइफ देखी कि इसको तो खाना ही नहीं मिलता, इसको पानी नहीं मिलता, जो भी आता है आते जाते पत्थर मार देता है, बेचारे मोती को चोट लग जाती है, वो लिख करता रहता है अपनी चोट को, कभी कभी उसे कीड़े काट लेते हैं, और नहाई नहाई तो कोई कराता ही नहीं है उसको। मैक्स को तो इतने अच्छे अच्छे शैम्पू से नहाई नहाई कराते थे। तो मैक्स ने एक दिन मोती को बोला, भाई तुम्हारी लाइफ तो बहुत मुश्किल है, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपने घर लेके जाऊंगा तुमको, और तुम देखो वहां पे कितना मजा आएगा तुमको।
तो जैसे ही वो दोनों चुपचाप करके घर गए मैक्स के, और उन्होंने देखा कि मैक्स का रूम तो खाली है। वहां पे मैक्स और मोती ने मजे करे, हंसे, खेले, जंप करा, अच्छे अच्छे बिस्किट्स खाए, स्नैक्स खाए, पानी पिया, सूप पिया चिकन का। बड़ा खुश हुआ मोती। मोती ने सोचा, अरे वाह, इसकी इतनी अच्छी लाइफ है, फिर भी ये रोड पे आ गया। बुद्धू डॉगी है मैक्स। और फिर उसने बताई ये बात मैक्स को, बोला तुम बहुत बुद्धू हो, तुम्हारे पास इतना सब कुछ है और फिर भी तुम रोड पर आ गए। तो मैक्स ने बोला, पर मेरे पास फ्रेंड नहीं है ना, तो मैं तो फ्रेंड ढूंढने के लिए आया था, अब तुम मुझे मिल गए हो तो अब मैं खुश हूँ, अब हम दोनों की फ्रेंडशिप हो गई है। मोती को उसने, जैसे ही वो सर्वेंट आया ना अंदर, उसने मोती को छुपा लिया बेड के नीचे, बोला जल्दी से घुस जाओ, किसी को नहीं पता चलेगा, घर में तो कोई है ही नहीं, और हम दोनों जैसे ही जाएगा ना, हम दोनों फिर से मिलके एंजॉय करेंगे। और इस तरह मैक्स इतना स्मार्ट निकला, उसने मोती को छुपा के रखा, जो खाना उसके लिए आता था वो दोनों मिलके खा लेते थे, और अब दोनों की फ्रेंडशिप भी और भी अच्छी हो गई। जब घर वापस आए सारे मेंबर्स घर के, तो उन्होंने थोड़ी देर में ही देख लिया कि अरे, एक डॉग छोड़ के गए थे, दो डॉगीज हो गए। लेकिन वो बहुत हैप्पी हुए, उन्होंने देखा कि मोती एक क्यूट सा डॉगी है, बेचारा बहुत बीमार टाइप का लगता है, वीक लगता है, कमजोर लगता है, इसको भी अच्छा खाना देंगे, इसको भी नई नई कराएंगे, इसको भी पाउडर लगाएंगे। और इस तरह मैक्स फाउंड अ फ्रेंड एंड मोती फाउंड अ होम। मोती को घर मिल गया, मैक्स को फ्रेंड मिल गया, और घर वालों ने बहुत प्यार से दोनों डॉगीज को रखना शुरू कर दिया। सो वी कैन डू दैट ऑल्सो। अगर हमारे पास भी कोई डॉगी है तो हम एक डॉगी जो बाहर जिसको कोई नहीं देखता, हम उसे ला के रख सकते हैं, और फिर हमारे वाले डॉगी को भी मिल जाएगा एक फ्रेंड, और एक जो डॉगी जिसको सब पत्थर मारते हैं बाहर, उसको भी हाउस मिल जाएगा। हो सकता है ना ऐसे? वी कैन डू दैट, ट्राई, आस्क योर मम्मा पापा। चल अब निनी टाइम, लेट्स डू निनी, गो टू स्लीप, good night, sweet dreams.